वीडियो में मेरे साथ बनी ही रहिएगा लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं आपके लिए एक प्यारी सी रीडिंग जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप बताइए कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। जी हाँ, वही पार्टनर जिनका वेट कर रहे हैं, जो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है। शुरू करते हैं एंजल्स का नाम लेके, उनको धन्यवाद देके। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। कार्ड्स हमें बताइए कि क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके पार्टनर से होगी। कार्ड्स हमें बताइए, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, देन हमारे पास आ गए हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखते रहिए और अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन के मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप दोनों का सेपरेशन वाला दिन याद कीजिए प्लीज़, बहुत सारे आंसर्स हमें मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आ गया है टेन ऑफ कप्स, फिर हमारे पास आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हमारे पास ये भी आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे मैं साइंस की बात करूँ तो मेजॉरिटी में, क्योंकि सोर्ड्स हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एयर साइन है, यहाँ पे अर्थ साइन है, फायर साइन है, और हमारे पास वाटर साइन भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अगर डोमिनेंटली देखा जाए तो वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत कम लग रही है, ज़्यादातर है सोर्ड्स की एनर्जी और उसके बाद पेंटिकल्स, देन उसके बाद कप्स। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है उसने बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया है, आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा तोड़ के झकझोड़ के रख दिया है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई ऐसा पर्सन आ गया है या आया था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हुई है। इस पर्सन ने बीच में आके सोर्ड्स की एनर्जी घुसाई है, इसका मतलब ये है कि चीज़ों को ख़राब करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। इनफैक्ट इनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो सक्सेसफुल हो चुके हैं और आप दोनों अलग हो चुके हैं। इन दोनों का काम यही था कि आपके दिल में एक खंजर, उनके दिल में एक खंजर डालना, जिसकी वजह से आप दोनों को पेन हो, जिसकी वजह से आप दोनों अवेयर हो जाए अपने पेन के बारे में, और फाइनली जितनी भी उलझने हैं वो पैदा हो, और ऊपर से आप दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करने लग जाएं। बेसिकली इस थर्ड पार्टी की आने के वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाने स्टार्ट की है, क्योंकि थर्ड पार्टी की बात वो सुनते थे, और थर्ड पार्टी की वजह से ही, क्योंकि इतने सारे सोर्ड्स हैं, इसी वजह से आपके पर्सन जो हैं उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपको समझा नहीं। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ लास्ट के कुछ समय में, जब आप दोनों की शादी होने वाली थी या फिर आप दोनों कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अब आगे मूव लेना चाहिए, अपने घर वालों को बताना चाहिए, अब टाइम आ गया है, अपने घर वालों को शामिल कर लेंगे। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके ना बैकग्राउंड्स में डिफरेंस है, हो सकता है कि आप अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि अलग रिलीजन हो सकते हैं, कास्ट हो सकते हैं, या फिर कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, या फिर यहाँ पे एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर एक ऐसी चीज़ हो सकती है प्रोफेशनली आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, या फिर हो सकता है नेचर वाइज आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, मिरर वाले भी मुझे दिखाई दे रहे हैं या फिर ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी अराइज़ हुई आप दोनों के बीच में। शुरू शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी थी, आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते थे, लगा ही नहीं था कभी कोई तीसरी पार्टी या फिर किसी टाइप की कोई डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जब बात करनी बंद हुई, जब कम्युनिकेशन बंद हुआ और आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रही, तब बेसिकली ये फेज़ आया जहाँ पे आपको लगा कि हम दोनों के डिफरेंसेस के वजह से बीच में हम दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। आपको ऐसा रियलाइज़ होने लग गया, क्योंकि कोई भी बात आप करने की कोशिश करते थे या फिर उनको समझाने की कोशिश करते थे, या आपके मन में कोई डाउट होता था उनको लेके, तो उनको ऐसा लगता था कि आप कंप्लेन कर रहे हैं, आपको चीज़ें पसंद नहीं हैं, या फिर आपके लेवल से
अलग ही हैं ये बातें। उनको ऐसा लगने लग गया था कि आप उन्हें हर वक्त बेइज्जत करते रहते हैं उनके बारे में पूछ के, या फिर कोई भी बात डिस्कस करते हैं तो वो समझते थे कि ये मेरे अंदर की कमी है जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता था कि बात करके आपस में सुन लें ध्यान से कि सामने वाला क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करने की ज़रूरत है, बेसिकली वो मुझसे चाह क्या रहे हैं, ये नहीं। वो बस इतना ही सोचते थे कि हो सकता है कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होने लगी हैं क्योंकि थर्ड पार्टी उनको ऐसे ही कुछ इस तरीके से भड़काती थी। वो ना आपकी गलतियाँ गिनवाते थे। सपोज़ आपके पर्सन ने कुछ बोला कि आज तो हमारी लड़ाई हो गई, तो ये थर्ड पर्सन पूछेंगे किस लिए, क्यों, तब नहीं पूछते। तो अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही है कि थर्ड पार्टी निकाल निकाल कर पूछेगी और उनसे बोलेगी कि अच्छा ऐसा हुआ, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। तो मतलब कि आपके पर्सन के मन में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुविधा पैदा करना, अनइजीनेस पैदा करना, ताकि आपके पर्सन अगर छोटी मोटी बात के लिए नाराज़ भी हो तो वो हर्ट की तरह लें इसको। बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी करके बताना या फिर इस चीज़ को ऐसे घुमा के दर्शाना कि उनको ऐसा लगे कि जो भी चीज़ आपने की है वो डेफिनेटली उनके साथ गलती की है, और कोई भी प्यार करने वाला ऐसे दूसरे प्यार करने वाले के साथ नहीं करता है। तो आपके पर्सन को ना आपकी हर एक्शन में गलतियाँ नज़र आने लग गई। ठीक है, अब देखिए आपके पर्सन आपको हर्ट करते चल रहे हैं लेकिन वो अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनके पास दो तलवारें हैं जबकि हाथ में एक डाउन है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो सारी जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ आपको भी बहुत बुरी लग रही है, आप भी हर्ट हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो खुद पे ध्यान देने की सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, मतलब आपने उनको क्यों कहा, आपने उनको क्यों नहीं समझा। ऐसा कुछ माइंडसेट हो गया था आपके पर्सन का, जिसकी वजह से आउटकम ये निकल के आया है कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा सख्त बाहर से, अंदर से कहीं ना कहीं वो दिल ज़िंदा है जिसमें आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, आसपास के लोग ऐसे हैं कि उनको ना हमेशा बोला जाता है कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे या किसी के लिए किसी के पीछे रहोगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो आप कमज़ोर हो। उनको ये चीज़ समझा दी गई है, दिमाग में बिठा दी गई है, और ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, आप इन पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, और इवेंचुअली सब लास्ट में धोखा देके आपको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी चीज़ें उनके आसपास चल रही है, उनके ग्रुप का यही हाल है, उनके घर में भी ऐसे ही चल रही है। हर चीज़ का बुरा साइड दिखाया जाता है, ना कि अच्छे साइड दिखाएं। ठीक है, और ये भी समझाया जाता है कि आप दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, अगर होना होता तो ये रिश्ता टूटता ही नहीं, जबकि उन्होंने, आपके पर्सन ने कोई एफर्ट्स डाले ही नहीं इस रिश्ते को बचाने के लिए। आइए देखते हैं अब क्या हो रहा है। क्वीन ऑफ वर्म्स की एनर्जी यहाँ पे है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे देख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ कप्स। अब थी बाहरी बातें, अब दिल की बातें देखते हैं। आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं, मतलब आपके पर्सन को आपकी याद आती है। ये कहना गलत होगा कि आपके पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते, आपके पर्सन आपके साथ घर नहीं बिताना चाहते। आप दोनों के रिश्ते में इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी, इतनी ज़्यादा सीरियसनेस थी कि आपके पर्सन और आप हमेशा ये चाहते थे कि हम दोनों एक हो जाएं, हम दोनों साथ में फैमिली स्टार्ट करें, हम दोनों का भी एक फ्यूचर हो जहां हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें, और हमारे भी बच्चे हों। हो सकता है कि आपने उन दोनों के नाम भी रख लिए हो और आगे फैमिली प्लानिंग की पूरी तैयारी कर ली हो, लेकिन हुआ ये कि बीच में इन अड़चनों की वजह से, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होते होते रुक गई। आप दोनों जब साथ में थे ना, तब आप दोनों डिस्कस किया करते थे कि आप दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे का कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा ये बोलते थे, हो सकता है आपके पर्सन आपसे बोलते हों कि कुछ भी हो जाए माय लव, कुछ भी हो जाए बेबी, बस मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना, अगर जब तक हम साथ रहेंगे तब तक हम किसी भी मुसीबत को एक साथ झेल सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ठीक है, बी इट फाइनेंशियल, फैमिली प्रेशर हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा साथ मेरे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेले ये दरिया पार नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मैं अभी बताती हूँ आपको, क्योंकि आप दोनों ये चाहते थे, आपका कभी भी भागने का प्लान नहीं था, आपके मन में ये था कि कितनी भी मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़े हम दोनों ये चीज़ पॉसिबल कर दिखाएंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस करके दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो। इसी वजह से आपके पर्सन ने आपसे डिस्कस भी किया था कि वो आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं,
वो मनी पे ध्यान दे रहे हैं, वो अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं ताकि इस चीज़ में कोई कमी ना आए। देखिए, जब इंसान सेटल्ड हैं, उनकी जॉब है या फिर दोनों तरफ से अच्छे कैरियर में हैं, तो ये सारी चीज़ें भले ही से ही इग्नोर की जा सकती हैं, फैमिलीज़ मान जाती है। तो इसीलिए आप दोनों का यही प्लान था, सही टाइम आने पे अपनी फैमिलीज़ को अप्रोच ज़रूर करेंगे और अपनी मनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे ताकि ये पॉइंट कभी भी अराइज़ ना हो और हंसी खुशी सब कुछ हो जाए। आपका यही प्लान था कि सबको कन्विंस करना है, क्योंकि हमको सबको साथ में लेके चलना है, कोई भी ऐसा गलत स्टेप नहीं लेना है जिसकी वजह से हमें या फिर हमारी फैमिलीज़ को कोई प्रॉब्लम हो। ये बात आप भी समझाते थे उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पर्सन कभी कभी जब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे बोलते हैं कि हम चले जाते हैं, यहाँ से चलते हैं, कहीं और जाके घर बसा लेंगे और हमारा हो सकता है कि कोई बच्चा हो जाए, आगे जाके फैमिली स्टार्ट करे, तब फैमिली मान जाएगी। लेकिन आप ये सारी चीज़ें उनको समझाते थे, नहीं मेरे बाबू, नहीं, जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और इस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पर्सन जब जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो उनको याद आती है आपकी आँखें, आपका वो खूबसूरत सा मासूम सा चेहरा, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके पर्सन को याद आती है आपकी बातें, किस तरीके की इनोसेंस वाली बातें आप करते थे। आपके पर्सन पता है आपको क्या बोलते थे? आपके पर्सन आपको बोलते थे कि आप में ना बहुत ज़्यादा बचपन आए, छोटे बच्चे की जैसे इनोसेंट प्यारी एनर्जीज होती है वैसे ही, मतलब वो आपको ऐसा समझते थे, मानते थे कि आप में बहुत मासूमियत है, मतलब आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप जो बातें करते हैं वो बातें सुनना उनको बहुत पसंद है, वो बस फ़ोन पे बहुत बार आपकी बात होती थी तो बोलते होंगे कि तुम बस बोलते रहो और मैं सुनूंगा या सुनूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें सुनना और उन पे गौर करना बहुत प्यारा लगता है। पूरे दिन वो इंतज़ार किया करते थे कि एक बार आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ को सुन ले। हो सकता है कि जब आप चैट करते हों तो वो कहते हों कि प्लीज़ अपनी वॉइस सुना दो, क्योंकि मैं तुम्हारी वॉइस सुनने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा हूँ या तरस रही हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर होती है कि फिज़िकली एक्सटर्नली वो आपसे अट्रैक्टेड तो थे ही, आपका हाथ पकड़ना, आपके गाल पे हाथ रखना या फिर आपको एक बार छू लेना, आपके हो सकता है कि वो आपके हाथ पे किस करते हो सकता है आपको फोरहेड किसेस देते हों, जिससे ये पता चलता है कि वो आपको कितना वैल्यू करते हैं और आप उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा प्रीशियस हैं। इनमें से बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे हैं जो ये फील करते थे कि आपका उनके साथ होना उनके लिए बहुत बड़े लक की बात है, वो आपको अपना लकी चार्म भी मानते थे। जबकि हमारे पास क्वेश्चन आज का ये है कि क्या आपकी उनसे शादी होगी। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे डेफिनेटली मैरिज का कार्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मेंट टू बी हैं और ये शादी होनी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इतिहास में या फिर किस्मत में लिखी हुई है कि जोड़ियाँ तो ऊपर बनाती है और ये शादी होकर रहेगी। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आपके पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आप दोनों को अगर एक होना है तो उसके लिए उनको लेना होगा फर्स्ट मूव, जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन के मन में सब कुछ सेट है, कैसे आना है, क्या करना है, क्या बोलना है, लेकिन इनकी जो डर है, घबराहट है, जो मिस्टेक उन्होंने की है ना, जिसकी वजह से वो सोच सोच के कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। एक कदम सोचने की सोचते हैं तो लेकिन पास्ट में 10 बार जाते हैं और ये याद करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें उन्हें सुधारने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे दूर जा चुके हों, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी हो। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत डीपली सोच रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। आइए थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं। बस इस पर्सन को ना आपकी तरफ कदम बढ़ाने की देर है, क्योंकि एक बार उन्होंने ऐसा कर दिया तो आपकी शादी लगभग होनी तय है। क्योंकि अब आपके पर्सन ना अब आपके साथ बस डेटिंग तक नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि अब हम एक बंधन में बंध जाए, बहुत हुआ ये डेटिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब मुझे इनको अपना बना लेना है, क्योंकि अब जो है वक्त आ गया है हम दोनों के एक होने का। पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हाल फिलहाल में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नए चेंजेस आने वाले हैं, मतलब अंदर से बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि कुछ तो चेंज होने वाला है, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। लेम्यूरिया क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। देखिए, कन्फर्मेशन, इट्स हैपनिंग, आपके लिए चेंज जो है बिल्कुल आ रहा है, मौसम बदल रहे हैं, सीजन बदल रहा है और आपकी
चलने की जो दिशा है, जो राह है, वो भी बदल रहे हैं। रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे आपके सामने। गेट ग्राउंडेड एम्पैथ्स हाईली सेंसिटिव्स कनेक्टिंग विद नेचर। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो नेचर लवर हो, नेचर चाइल्ड हो। बाहर जाना, घास पर चलना, नेचर को एडमायर करना, हो सकता है कि आपको ग्रीन कलर बहुत पसंद हो। तो एंजल्स हमसे कह रहे हैं कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस माइंड जब एक साथ आ जाएं, एक अलग लेवल की थिंकिंग डेवलप होती है। और वो जो थिंकिंग होती है और वो जो इमेजिनेशन होती है, वो आपकी सोच से परे है। तो प्लीज़ उस अलाइनमेंट में आने की कोशिश कीजिए। द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स सोल ट्राइब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है या फिर कुछ अच्छा चेंज होने वाला है, जो आपको अपने इंट्यूशन से लग रहा है, आपकी गट फीलिंग कह रही है। इसीलिए आजकल आप बहुत ज़्यादा शांत से रहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, जो चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में सोचते नहीं हैं, पर जो चीज़ें आ रही हैं ना उनको वेलकम करने के लिए रेडी रहिए। आइए आपके पर्सन की तरफ से कुछ और थॉट्स देख लेते हैं। क्या सोच रहे हैं वो इस टाइम, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? जैसे कि मैंने पहले बताया था, फिजिकली भी ये सोचते हैं, एक बार आपको छूने के लिए तरस रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके पर्सन ना आपके लिए इंटीमेट मोमेंट्स भी सोचते हैं कि कैसे हम दोनों, हो सकता है कि आप दोनों साथ में एक बार फिजिकल हुए हो, या फिर कभी उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हो, या फिर उनका एक स्पर्श जो आज भी आपकी रूह कंपा देता है, जो आपकी रूह में हलचल मचा देता है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन भी इमेजिन करते हैं कि काश अगर हम अभी तक साथ होते तो फिर क्या ही बात होती। आप उनकी बाहों में होते और वो आपको रोज़ फील कर सकते थे अपने पास। द फूल वाला कार्ड यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ना जब आपके बारे में फिजिकली इमेजिन करते हैं तो एकदम से ना खो जाते हैं। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उनसे दूर है, या फिर पास नहीं है, या फिर आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जो भी है मेरे पर्सन ही है, मुझे घर बसाना है, अगर फिजिकल होना है, मुझे अगर फैमिली स्टार्ट करनी है ना सिर्फ इन्हीं के साथ, क्योंकि आप दोनों की फैंटेसीज भी आपस में बहुत ज़्यादा मिलती है। देखिए, अनड्रेस होना किसी के सामने बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन अपनी सोल को नेकेड रखना अपने पर्सन के सामने और उनके द्वारा अंडरस्टैंड किए जाना, उनसे प्यार मिलना जिससे आप प्यार करते हैं, ये एक अलग लेवल की इंटिमेसी होती है। तो आपके पर्सन कुछ इस लेवल की चीज़ें चाहते हैं आपके साथ, एक सोल का कनेक्शन फील होता है उनको आपके साथ, सिर्फ आपके साथ और किसी के साथ नहीं। आशा करती हूँ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। लाइक करके कमेंट्स में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। रेडी रहिएगा अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।